नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ई कॉमर्स साइट अमेज़न के ऊपर जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण के आपत्तिजनक फोटो सेल हेतु डालने पर विमल द्विवेदी ने एफआईआर की दर्ज कराने की मांग की। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदुओं के आराध्य राधा कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीर सेल हेतु अमेज़न द्वारा डालने पर पूरे देश में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट अमेज़न का ट्रेंड चलाया जा रहा है व अलग अलग राज्यों में हिंदू संगठनों द्वारा ई कॉमर्स साइट पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्नाव में विमल द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच उन्नाव ने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमेज़न द्वारा बार बार अपमान किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य राधा कृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, मनीष अवस्थी, विकास सिंह, सिंगर विष्णु गुप्ता, मनीष मिश्रा, परिमल मिश्रा, धर्मेंद्र शुक्ला सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। क्या मामला है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ई कॉमर्स साइट अमेज़न द्वारा जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र और राधा जी की बेहद आपत्तिजनक तस्वीर विक्रय है साइट पर उनकी डाली गई थी, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर अमेज़न पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। अमेज़न द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया है, ये करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न है। इसको तत्काल मैं जो करोड़ों हिंदू हैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं कि अमेज़न का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो भी सनातन विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, ऐसी साइटों को, ऐसे लोगों को हिंदू सनातन हिंदू करोड़ों हिंदू उनका बहिष्कार करें, और ऐसे लोगों को जिस तरह से ये लोग लगातार हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक तस्वीरें डालना, आपत्तिजनक बयानबाजी करना, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।